Thanks for coming to my YouTube channel. Press the subscribe button and click bell icon for my YouTube new videos. Hi friends, I'm Mr. Sir. तो आप तो थंबनेल देख ही चुके होंगे, तो आपका सब्सक्राइब बढ़ाना चाहते हो, तो मैं अगर कहूँ तो आप सब्सक्राइब पे नहीं, आप व्यू पे फोकस करो, ठीक है? तो फिर भी जाने दो, फिर भी आप सब्सक्राइब को इंक्रीज करना चाहते हो, तो मैं पहले बोल देता हूँ आपको, अगर सब्सक्राइब बढ़ाना है, ठीक है, आपको सब्सक्राइब इंक्रीज करना है, तो आपको वीडियो में कुछ अच्छा बोलना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप अच्छा नहीं बोलोगे तो आपका वीडियो कभी ग्रो नहीं होगा, ये एक बात गांठ बांध लो, ठीक है? तो आपको वीडियो में सब कुछ रियल बोलना है या रियल दिखाना है, ठीक है? जैसे कि सोचो कि जैसे कि मैं टिप्स दे रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा चैनल ग्रो हो चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि वो खुद का व्यू आ रहा है, 2-3, 10-20 व्यू आ रहा है और वो बोल रहा है कि वीडियो को वायरल कैसे करें, तो ऐसा देख के आपको कैसा लगेगा, सोचो एक बार। तो ऐसे काम करने वाले कभी यूट्यूब में आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको टिप्स नहीं देना है, आपको बस दिखाना, करके दिखाना है। आप ऐसा वीडियो डालो जिससे आप कर सकते हो, जैसे कि आप मोनेटाइजेशन इनेबल कैसे कर सकते हो आप दिखा रहे हो, जैसे कि आप कुकिंग कैसे कर सकते हो वो आप दिखा रहे हो, ऐसे आपको कुछ दिखा के करना है, ठीक है? जैसे कि आप आर्ट आर्ट करके दिखा रहे हो, जैसे कि आप यूट्यूब चैनल ग्रो करके दिखाओ, लाइव प्रूफ, ऐसे आप करोगे न्यू चैनल, तो आपका चैनल ज़रूर ग्रो होगा, ठीक है, और आपका सब्सक्राइब भी बढ़ जाएगा। तो मैं कुछ टिप्स दूंगा, आप करके देख सकते हो, ठीक है? तो आप रियल सब्सक्राइब लाना चाहते हो या डुप्लीकेट सब्सक्राइब लाना चाहते हो, ठीक है? पहले रियल सब्सक्राइब बता देता हूँ कैसे लाना है, फिर डुप्लीकेट पे आऊँगा। तो रियल सब्सक्राइब लाने के लिए आपको, तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी के LB में जाके आप सपोर्ट सब कर सकते हो, ठीक है? वहाँ से आपको सब्सक्राइब मिल जाएगा और आप भी उसको सब्सक्राइब कर लेना, वो भी आपको सब्सक्राइब कर लेगा, ठीक है? तो नेक्स्ट, तो आपको हर रोज वीडियो अपलोड करना है और आपका हर वीडियो ट्रेंडिंग टॉपिक पे होना चाहिए। ट्रेंडिंग टॉपिक मतलब सर्च टॉपिक, ठीक है? जैसे कि आपका चैनल है टेक्निकल चैनल है मेरे जैसा, ठीक है? तो आप सर्च कर रहे हो हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, ठीक है? तो जब आप सर्च करोगे तो वहाँ पर देखोगे कुछ रिजल्ट वहाँ पर दिखाएगा, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल 2020, यूट्यूब चैनल ग्रो कैसे करें, ऐसे, ठीक है? जो फर्स्ट पे दिखाएगा वही होता है सर्च टॉपिक, ठीक है? वो टॉपिक आपको टाइटल में रखना है, ठीक है? रख के आपको वीडियो बनाना है, ठीक है? तो ऐसे ही आप जो टॉपिक पे वीडियो बनाते हो ऐसे ही आपको सर्च कर लेना है, ठीक है? जो नाम सबसे ऊपर दिखाएगा वही नाम आपको टाइटल पे रखना है, तो इसको ही सर्च टॉपिक कहते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट, तो आप बोलोगे मुझे मैं सर्च टॉपिक पे वीडियो क्यों बनाऊँ, क्योंकि मेरा वीडियो तो फर्स्ट रैंक पे आता ही नहीं, मेरा वीडियो कौन कोने में पड़ा रहता है वही मुझे नहीं पता, मैं ढूंढता रहता हूँ पर मुझे मिलता नहीं, सही कहा ना? तो आपको करना क्या है, तो आपको हर रोज वीडियो अपलोड करना है, ठीक है? तो YouTube क्या करता है, YouTube का एल्गोरिथम ही कुछ ऐसा है कि आप जब वीडियो अपलोड करते हो आपका वो वीडियो, ठीक है, वो वीडियो पे आपका 0 व्यू भी है तब भी आपका वीडियो एक बंदे के पास YouTube जरूर भेजता है, ठीक है? एक बंदे के पास जरूर भेजता है और वो बंदा आपका वीडियो अगर पूरा फुल देख ले तो वो YouTube क्या करता है, फिर 2 बंदे के पास भेजता है, फिर 3 बंदे के पास भेजता है, पर ये तब होता है जब आपका वीडियो फुल देखा जाए, ठीक है? आपका वीडियो फुल देखा जाए, फुल वीडियो, तब भी ये काम करता है, नहीं तो आपका वीडियो किस कोने पे पड़ा रहेगा आप भी नहीं ढूंढ पाओगे, ठीक है? तो नेक्स्ट, तो बहुत लोग क्या करते हैं, थंबनेल पे ही गलती करते हैं, थंबनेल पे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना चाहिए, थंबनेल को एकदम साफ सुथरा परिष्कार रखना चाहिए, क्योंकि थंबनेल में, क्योंकि क्लिक थंबनेल देख के ही होता है, आप मानो या ना मानो क्लिक थंबनेल देख के ही होता है, ठीक है? वीडियो के अंदर वो तब देखेगा जब वो वीडियो पे क्लिक करेगा, बट दिखाई तो थंबनेल ही देता है ना, तो इसलिए थंबनेल को साफ सुथरा रखने की कोशिश और थंबनेल को HD में बनाने की कोशिश करो, ठीक है? तो नेक्स्ट, तो आप टैब टाइटल डिस्क्रिप्शन कैसे डालोगे, तो आपको करना क्या है, आपका जो टॉपिक हो, ठीक है, वो आपको सर्च कर लेना है यूट्यूब पे, जो वहाँ पर सर्च लिस्ट पे देखोगे कुछ आप सर्च करोगे तो वहाँ पर कुछ रिजल्ट निकल के आ जाता है, ठीक है? आपको फुल टू कॉपी कर लेना है, ठीक है? सेम टू सेम आपको डिस्क्रिप्शन पे और टैग पे डाल देना है और ऊपर के जो 2 लाइन होते हैं, ठीक है, थीके? जो सर्च रिजल्ट आता है उस पर ऊपर के साइड जो 2 लाइन होता है वो आप टाइटल में डालो, ठीक है? ऐसे आपको हर रोज सर्च टॉपिक पे वीडियो बनाते रहना है। अगर आपका वीडियो लोगों को पसंद आए तो आपका वीडियो वहाँ से वायरल भी हो सकता है, ठीक है? तो ऐसे ही आप करते रहोगे तो आपका सब्सक्राइब जरूर बढ़ेगा।
तो नेक्स्ट, ठीक है। और डुप्लीकेट, डुप्लीकेट आप कैसे बढ़ा सकते हो, देखो आपको क्या करना है, आपका जो अभी चैनल है आपके पास उसको साइड में रख दो, ठीक है। एक नया चैनल क्रिएट करो और उस पर आप टिकटॉक वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि टिकटॉक ऐप पे जितना वीडियो नहीं चलता वो उससे ज़्यादा चलता है यूट्यूब पे, ठीक है। यूट्यूब पे टिकटॉक वीडियो बहुत ज़्यादा चलते हैं, सर्च होते हैं। तो आपको करना क्या है, टिकटॉक वीडियो पहले आपको टिकटॉक से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। टिकटॉक ऐप से डाउनलोड करने के बाद उसको ज्वाइन 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 करके फिर आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। अपलोड करने के बाद एवरी डे आपको 2-3 वीडियो अपलोड करना ही है, ठीक है। सोच 2-3 वीडियो आपको अपलोड करना ही है दिन में, ठीक है। करने के बाद आपका वीडियो पे धीरे धीरे व्यू आने लगेगा और तो 2-3 महीने के अंदर ही आपका चैनल ग्रो हो जाएगा, टिकटॉक चैनल। फिर आपको करना क्या है, आपको जो टिकटॉक वीडियो अपलोड किया सबको डिलीट करके, क्यों तो टिकटॉक चैनल मोनेटाइज नहीं होता। तो आपको करना क्या है, आपका ऑल वीडियो, ठीक है, जो आप टिकटॉक वीडियो अपलोड किया हो सबको डिलीट करके आपका चैनल का नाम आप कुछ भी चेंज करके कुछ भी रख सकते हो, आपको जो मर्जी। फिर आपका खुद को वीडियो अपलोड करते हुए फर्स्ट टाइम कंप्लीट करना है, ठीक है। करने के बाद आप रिव्यू के लिए भेज सकते हो। तो जब आपका चैनल ग्रो हो जाएगा तब आपके पास कम से कम 1,00,000 सब्सक्राइब तो ज़रूर होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू।